नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका learnready.com के 3ds Max ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉइस कमांड। तो नॉइस कमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम नॉइस कमांड का यूज़ कैसे करते हैं और किस पर्पस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जब भी अपने नॉइस कमांड का यूज़ करना है, जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा लेता हूँ, जैसे एक स्फीयर ले लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ। बनाने के बाद स्फीयर को जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, देन सेलेक्ट कीजिए, मॉडिफाई पैनल पे जाइए और यहाँ पे आप मॉडिफाई लिस्ट में एन टाइप कीजिए और आपका नॉइस यहाँ पे मिल जाएगा। नॉइस लेने के बाद आपको ये एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे रिकमेंड कर देगा। बॉक्स के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि जो नॉइस कमांड होती है हमारी, वो एक्स वाई और जेड एक्सिस में इसको स्ट्रेंथ क्रिएट करता है। स्ट्रेंथ क्रिएट का मतलब है कि जैसे कि ये अगर आप एक्स एक्सिस के थ्रू या जेड एक्सिस या वाई एक्सिस में वैल्यूज़ को जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ आप डालोगे, उतना ही वहाँ से स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। तो उस तरह की कोई भी अगर आप चीज़ें बनाना चाहते हो तो आप नॉइस कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो नॉइस कमांड बेसिकली यूज़ होती है जैसे कि अगर आप किसी डेजर्ट टाइप या पहाड़ी हिली एरिया को शो करना चाहते हो, या आप किसी कर्टन्स को शो करना बनाना चाहते हो, क्लोज बनाना चाहते हो, या पानी की ऊपर की लेयर्स को आप शो करना चाहते हो, तो आप नॉइस कमांड का यूज़ कर सकते हो। साथ ही जैसे स्टोन्स को हम क्रिएट करते हैं, उसका भी यूज़ हम नॉइस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो उसको कैसे हमने यूज़ करना है, जैसे कि आप यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग में यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू को एड अप करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जो वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं डालता हूँ 25, तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे भी वैल्यू डाल देता हूँ 25, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज आएगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 25 डालता हूँ तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने जैसे मैं यहाँ पे सीड्स को ऐड करूँगा तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इमेजेस को क्रिएट करना शुरू कर देगा। और उसी तरह से अगर मैं इसकी स्केल को यहाँ पे कम कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे शेप्स को क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ये शेप मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे आप सीड्स को देते हो तो कुछ इस तरह से आपकी जो इमेज है या इस बॉक्स को, इस स्फीयर को, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। आप एक्स एक्सिस में जितनी वैल्यू डालोगे ये उस तरीके के साथ यहाँ पे इसकी इमेज को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शनल का ऑप्शन होता है, फ्रैक्शनल के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। फ्रैक्शनल क्या होता है कि आपकी रफनेस देने के लिए शो किया जाता है, तो जितनी ज़्यादा रफनेस दोगे ये उतना रफ़ी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसी तरह से आप इटरेशन भी कर सकते हो, जो कि उसकी स्मूथनेस को बनाने के लिए होता है। तो आप जितनी कम रखोगे उतनी ज़्यादा स्मूथनेस इसकी हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा करोगे उतनी कम इसकी स्मूथनेस होती चली जाएगी। तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को कम करता चलता हूँ यहाँ से, और मैं वैल्यू इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, तो इस तरह की शेप्स को आप बनाना चाहते हो तो आप इसके थ्रू यहाँ पे बना सकते हो। तो सीड भी यहाँ से आपको यूज़ कर सकते हो आप, तो सीड के यूज़ से आप यहाँ पे इस टाइप की शेप्स को क्रिएट करना बहुत ही इजीली तरीके के साथ आप बना सकते हो, चाहे वो स्टोन की शेप हो या किसी भी तरह की शेप अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक प्लेन को क्रिएट कर लेता हूँ, तो प्लेन को कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और जितने ज़्यादा आप सेगमेंट्स इसमें डालोगे तो उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ ये यहाँ पे शो करेगा। तो मैं जैसे यहाँ पे 40 के करीब ले लेता हूँ, और यहाँ से भी मैं कुछ 40-50 के करीब सेगमेंट्स ले लेता हूँ। लेने के बाद आपने क्या करना है, मॉडिफाई पैनल पर जाके मॉडिफाई लिस्ट में एन एंटर करना है। एन एंटर करने के बाद नॉइस कमांड ले लेनी है, और यहाँ पे इसकी x के अलोंग वैल्यू को हम चेंज करते हैं। तो जैसे ही मैं x के अलोंग इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजेस आए होंगे। वैसे ही अगर मैं y एक्सिस के अलोंग घुमाता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस थोड़े से आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो मेन जो हमारा जो चेंजेस यहाँ पे शो करेगा वो आपका जब शो करेगा तो वो करेगा z एक्सिस के अलोंग। तो मैं जैसे ही z एक्सिस के अलोंग यहाँ से वैल्यूज को पुट करता हूँ तो ये कुछ इसकी शेप को मोल्ड करना शुरू कर देगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाई एक्सिस में डालता हूँ तो वाई एक्सिस के अलोंग ये मोल्ड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से जितनी ज़्यादा वैल्यू आप डालोगे तो उतना ही यहाँ पे इस नॉइस का चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी वाई में चेंज करता हूँ, थोड़ा सा एक्स में भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद यहाँ पे आप सीड्स ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप सीड्स ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसे ऐसे आपकी शेप्स को क्रिएट करना शुरू कर देगा, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को
स्केल कर सकते हो। अगर जैसे ही मैं थोड़ी सी इसकी वैल्यू को स्केल को थोड़ा कम कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह की शेप्स बना देगा। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी वैल्यू को कम कर दीजिए। जैसे मैं जेड से इसकी थोड़ी सी वैल्यू को कम कर देता हूँ और यहाँ से वाई की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वैसे ही एक्स का मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे शो कर रहा है। मैं यहाँ से स्केल को थोड़ा कम कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह की यहाँ पे शेप्स क्रिएट करना शुरू कर देगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इस तरह की शेप चाहिए तो आप इस तरह की शेप यहाँ से बहुत ही इजी तरीके के साथ बना सकते हो। आप किसी क्लॉथ को दिखाना चाहते हो तो क्लॉथ भी यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे कि कहीं अगर आपने बेडशीट शो करनी है तो बेडशीट के लिए भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी वाई के वैल्यू या लॉन्ग वैल्यू को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। कम करने के बाद जैसे कि अगर आप इसको कर्टन पैनल या आप एक पर्दे के तौर पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको रोटेट करते हैं और कुछ इस तरह से इसको रोटेट कर देते हैं और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 90 डालने के बाद अब आप क्या करिए, यहाँ पे एक सिलेंडर ले लीजिए या सिलेंडर टाइप ले लेते हैं और इसको भी मैं रोटेट कर देता हूँ, इसको भी -90 कर देते हैं, -90 एंटर करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्शन मोड में चले जाना है और यहाँ से आपने ऑल्ट के साथ इसको मूव कर लेना है। मूव कमांड ले लीजिए, यहाँ से वाई के लॉन्ग इसको ले जाइए और यहाँ से एक्स के लॉन्ग ले जाइए। देन फ्रंट पॉइंट पे चलिए, फ्रंट पॉइंट पे इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लीजिए और यहाँ पे इसको प्लेस कर दीजिए। प्लेस करने के बाद मॉडिफाई पैनल पे चलते हैं, इसका रेडियस थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। कुछ इस तरह से, देन इसकी जो हाइट है या इसकी सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट चेंज करना चाहते हैं सेगमेंट चेंज कर सकते हो। हाइट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इधर से और इसको यहाँ तक ले जाते हैं कुछ इस तरह से। देन आप यहां से ऑल्ट पे प्रेस कीजिए, प्रेस करने के बाद जैसे ये इसकी वैल्यू यहां पे जा चुकी है तो इसको यहां से मूव कर लेते हैं ताकि ये इसके अलोंग यहां पे फिक्स हो जाए और ये कुछ इस तरह से यहां पे जेड के अलोंग भी इसको फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से भी आप अगर किसी पर्दे की अगर वैल्यू को दिखाना चाहते हो, जैसे कि कोई कर्टन दिखाना चाहते हो, तो वो भी आप यहां से ईजिली कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये, आपने सिंपली नॉइस कमांड का यूज़ करना है और इसको जैसे भी शिफ्ट करना चाहते हो, जैसे भी रखना चाहते हो उस तरह से आप रख सकते हो। उसी तरह से अगर आप इसको किसी बेड के ऊपर रखना चाहते हो, जैसे अगर मैं यहाँ से एक बॉक्स ले लेता हूँ और मान लीजिए ये मेरा एक बेड है और यहाँ पे इसको इस तरह से क्रिएट कर देता हूँ। देन इसको सेलेक्ट करते हैं और रोटेट कर देते हैं और इसे यहाँ से इस तरफ रोटेट कर देता हूँ या इस तरफ रोटेट करना चाहते हैं इस तरफ कर दीजिए और यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए 180। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। देन इसको यहाँ से मूव कर लीजिए, मूव करने के बाद एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं इसे थोड़ा सा इस साइड, देन यहाँ पे वाई की तरफ लॉन्ग और ये कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को दिखाना चाहते हो, जैसे कर्टन दिखाना चाहते हो या किसी बेड पे अगर आप चादर को शो करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे इसको रख सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी नॉइस कमांड। तो नॉइस कमांड का यूज़ हम कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप इस नॉइस कमांड का यूज़ कर सकते हो। देन इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हो, कोई भी तरीका आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे भी आपको इसको बनाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, चाहे वो पानी है या डेजर्ट वाला एरिया है या आप कर्टन वॉल शो करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को अगर आप बनाना चाहते हो तो आप नॉइस कमांड के थ्रू इस तरह की कोई भी चीज़ें यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच एंड आई हैव अ नाइस डे।